हबू का किचन में आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का क्रेप्स। अगर आपको चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन टिक्का क्रेप्स बनाने के लिए एक बाउल में 150 ग्राम बोनलेस चिकन, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच टिक्का मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच व्हाइट मरी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच दही, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करेंगे। एक फ्राई पैन में मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और चिकन का कलर चेंज कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसी में ही हम चिकन कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करने के बाद चिकन सॉफ्ट हो गया है और ये ड्राई भी हो गया है, तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और आधा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और वेजिटेबल्स को सॉफ्ट कर लेंगे। वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाने के बाद इसे एक बाउल में निकालकर ठंडा कर लेंगे। चिकन टिक्का क्रेप्स बनाने के लिए लिक्विड डो शीट का इस्तेमाल किया है। मैंने लिक्विड डो शीट का इस्तेमाल करके चिकन स्प्रिंग रोल बनाए हैं। उस वीडियो में मैंने लिक्विड डो की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं उसका लिंक देती हूँ, आप उसे जरूर देखें। स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीज ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम लिक्विड डो से बनी शीट लेंगे और सेंटर में चिकन की स्टफिंग रखेंगे, साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, किनारियों पर मैदे की स्लरी लगाकर इसे सील करेंगे। इसी तरह सारे चिकन टिक्का क्रेप्स रेडी करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। चिकन टिक्का क्रेप्स को फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद चिकन टिक्का क्रेप्स रखेंगे और इसे एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक साइड फ्राई हो जाने के बाद इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे चिकन टिक्का क्रेप्स रेडी करेंगे और इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।